हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू में 11 साइंस एंड डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है ये 2020 में पूछा गया है और इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मेरी कोशिश है कम से कम 4 to 5 ईयर का पेपर अपलोड कर दिया जाए ताकि आपको एकदम से आइडिया लग जाए कि पेपर का डिमांड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। मैंने इससे पहले इसका पार्ट वन जो है अपलोड कर रखा है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 51 से, क्योंकि अराउंड जो 50 तक जो क्वेश्चन था मैंने सोल्व करके वो डाल रखा है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से रहा और आपसे ये कह रहे, ए मैन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथ्स। इफ ही स्टिल हैज ₹400 लेफ्ट विद हिम हिज इनकम, तो कितना बचेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये 400 फिर भी बचा लेता और इतना स्पेंड करने के बावजूद भी, तो 51 का करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पे दैट इज सी आएगा, 6000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। पेपर दो लैंग्वेज में होता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि पूरा दिखा दूँ। ये रहा, इफ एक्स प्लस टू एंड दो मतलब फैक्टर्स है और आपको ये इसमें एम एन के वैल्यू निकालना है, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है। 52 का करेक्ट आंसर जो आएगा जब आप सोल्व करेंगे तो डी आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, यहाँ से भी अगेन, इफ एक्स इजिकल टू ए प्लस वन अपॉन ए एंड वाई इजिकल टू दिस, ये जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन एम यू ने हमेशा पूछा, हालांकि ये अलजेब्रा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा, 16। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ बी इज अ रियल नंबर सच दैट बी स्क्वायर इजिकल टू बी प्लस वन, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देन इसमें से कौन सही नहीं है वो आपको बताना है। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ग्राफ को पहले देख लीजिए अच्छे से। ग्राफ में ये कह रहा है, फिगर शोज ए ग्राफ वाई इजिकल टू एफ, ये ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने वो आपसे पूछा जा रहा है, तो जितना बार लाइन को टच करेगा उतना ही उसका वो मतलब उतने इक्वेशंस होंगे। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 56 पे। ये कह रहा है दो रूट है और ये इनके जीरोज हैं, तो आपको बताना है इनके अदर जीरोज क्या क्या होंगे। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 का ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ और इसमें पुट करने के बाद क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है, हालांकि आपको रूट यहाँ से ख़त्म करेंगे तो जो रूट खत्म करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही करेक्ट आंसर आएगा। सो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज बी, यानी 2 आएगा जब इसको आप सोल्व करेंगे तो। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। यहाँ पे वैल्यू आपसे पूछ रहा है और इसको जब सोल्व करेंगे तो 58 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी आएगा, 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है एंड आपको इक्वल टू क्या होगा वो आपको बताना है सोल्व करेंगे तो। इसको 59 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज सी आएगा, 18xyz। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये इक्वेशन है आपसे और रूट्स क्या होंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। सो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। अभी यहाँ पे मैथ चल रहा है, मतलब पहले जो था वो साइंस से स्टार्ट हुआ था, मैथ पे आ गए अगेन। अब ये कह रहा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 300 to 500 आर मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल यहाँ पे कितने होंगे, कौन कौन से नंबर वो आपसे बताना पड़ेगा 300 से 500 के बीच में। 61 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको k का वैल्यू पूछ रहा है, ये k डज नॉट, ये इक्वेशन 2 है और आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज b होगा, k इज इक्वल टू 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये टर्म्स है एपी का और फर्स्ट निगेटिव टर्म आपसे पूछा जा रहा है, सो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे b होगा, 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम ये है और आपको क्या आएगा वो आपको बताना है एलिमिनेशन मेथड से। सो 64 का करेक्ट आंसर जो आएगा जब सोल्व करेंगे तो ए आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ये रहा आपका, ये अल्फा एंड बीटा का वैल्यू मेंशन है और आपको इसका फाइंड आउट करना है। सो 65 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज यहाँ पे बी आएगा, कॉस 2 बीटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है और पी एंड क्यू हाइट डिस्टेंस एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड दिस हाइट ऑफ टावर आपसे पूछा जा रहा है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ए आएगा, रूट ए बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। करें, इफ़ द आर्म्स ऑफ वन एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल देन द टू एंगल्स आर, मतलब दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे। 67 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी आएगा, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 68 पे। मैं पूरा पहले दिखा दूँ, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कंसिडर दी स्टेटमेंट, आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको इस पर टिक करना है। 68 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज बी, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस इज रेक्टेंगल, एग्जैक्टली रेक्टेंगल ही होते हैं। इसके अलावा ये इन्होंने कौन सा ऑप्शन बी की बात करा था, तो इसमें जो है ना तीनों सही है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने, क्योंकि मैंने आपको ये नीचे वाला आइकन दिखाया नहीं था, सिर्फ आपको ये ऑप्शन दिखाया था। एक्चुअल में आपको यहाँ इसके हिसाब से करना है। तो जी जो तीनों यहाँ पे ऑप्शंस है, जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, और ये और ये तीनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 ये रहा टू कॉर्ड है और ए बी सी डी, और इंटरसेक्ट करता है ई पे, और ए बी का लेंथ मेंशन है, बी का भी और डी का भी है, देन सी डी का आपको पूछा जाए। तो सी डी का जब लेंथ निकालेंगे, मतलब इसके डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज, यहाँ पे दिखाते हैं पहले पूरा, ये सी आएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। करें दी एडजस्टेड फिगर ओ ई दी सेंटर ऑफ सर्किल, मतलब एडजस्टेंट के हिसाब से आपको बताना है। तो 70 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज डी आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें द गिवन फिगर पी ए, मतलब ये फिगर है और आपको सच दैट पी एक्स मेंशन है, आर सी बी मेंशन है, क्यू बी सारा बता रखा है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। 71 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज सी, जीरो आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन शायद, वैसे तो हमारे साइड से हम सॉल्यूशन करवा कर बता रहे हैं आपको, लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि फिर भी आंसर गलत हो गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको उस कमेंट को पुट ये आपके पिन कर देंगे, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स वो आए तो वो देख सकें हाँ भाई ये इसका आंसर एक्चुअल में ये था। तो मैं भी गलती शायद हो सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश की जो भी क्वेश्चन बताए उसका सही करेक्ट आंसर दें। करें इन द फिगर ए बी सी डी, मतलब ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी सी डी नहीं बल्कि, एंड पी जो है वो पी जे एनी पॉइंट है, देन तो इसका आपको बताना है। 72 का जब सोल्व करेंगे इसको, हालांकि सोल्व करना है कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 72 का करेक्ट आंसर जाएगा डी आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। ये पॉइंट है कर्व लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। 73 का करेक्ट आंसर जो है वो सी दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नहीं आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 74 पे। एरिया ऑफ स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा दो और आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा जा रहा है। सो 74 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी आएगा, 65। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 75 पे। ये आपके एरिया ट्रायंगल ओ पी क्यू है और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको क्या वैल्यू है वो, मतलब इसमें ट्रायंगल का जिस स्क्वायर वाला दो फार्मूला लगेगा जब एक ट्रायंगल का सिर देंगे, तो 75 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज बी आएगा, 1/2 स्क्वायर किलो यूनिट। यहाँ से आपके है वाटर मेजरिंग टैंक है, ये रेशियो दिया हुआ है और 3 डेज के लिए होता है, आपको 150 लीटर में आपको उस हिसाब से निकालना है। सो 76 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज सी आएगा, 12,000 निकलेगा पूरा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें देयर आर 50 मेंबर्स, ईच मेंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड न्यू मेंबर इज सो ऑब्टेंड, इतना है मीन ऑफ द मीन आपसे फाइंड आउट करने का जा रहा है। 77 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज डी आएगा, 56 का 56.5 आएगा इसका। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। एन आर्म कंटेन 25 बॉल नंबर 1025, टू बॉल्स आर, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है और इसके जब आप सोल्व करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए ऑप्शन थोड़ा नीचे है ये रहा, तो जब इसको सोल्व करेंगे 78 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी आएगा, 169/625। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। लेट एक्स, यानी ये बार लगा हुआ है, बाय द मीन ऑफ ये है एंड वाई का ये है एंड जेड का ये है, सो देन आपसे जेड का पूछा जा रहा है। अब इस 79 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो बी आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, फाइंड द एक्स वाई इन द गिवन टेबल, मीडियन निकालने को कहा जा रहा है। मीडियन जो सॉरी मीडियन जो है 32 है, देख लीजिए मीडियन जो है 32 और एक्स और वाई का वैल्यू क्या हुआ आपसे पूछा जा रहा है। सो 80 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ 80 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज यहाँ पे आपका आएगा ए आएगा, एक्स इजिकल टू 9 एंड वाई इजिकल टू 16। तो ये 80 तक अभी हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से आपके जीके और उसके एंडो के पार्ट आ जाएंगे, तो अब आते हैं इस पे। कर रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ, यानी इंपीरियल इससे पहले इंपीरियल बैंक नाम था। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज के टाइम, इससे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन करें, विच गेम बिलीव टू हैव ऑरिजिनेट इन तमिलनाडु इज दी नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। सो 82 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ए कबड्डी, मतलब बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है, जैसे इंडिया का जिस तरीके से हॉकी है, ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे नहीं है। 83 करे ऑफ दी 12 कॉन्स्टलेशन इनकॉर्पोरेटेड इन टू दी ट्रेडिशनल जोडियोक साइन विच इज द ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, अच्छा ये जोडियोक के बारे में। सो 83 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज डी लिब्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। यहाँ से लोकसभा से पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे या फिर ये प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बता देंगे। 84 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज डी, एंग्लो इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, एमएलए करते, एमपी भी करते हैं लोकसभा राज्यसभा के भी, और एमएलए भी करते हैं।
अब आते हैं अगर करेक्ट, चोला एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया वाज द फेमस फॉर, चोला एम्पायर किसके लिए फेमस था? 85 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो फेमस था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, कह रहा है इब्न बतूता इज ए डैश सेंचुरी ट्रैवलर एंड हिस्टोरियन, मतलब कब आए थे? तो 86 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यहाँ पे सी, नहीं मेरे ख्याल से हाँ 14 सेंचुरी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडियन इंडिया सोसाइटी प्रोवाइडेड फैमन रिलीफ एंड वर्क फॉर ट्रिवल इट वॉज फॉर्म बाई, 87 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 हैज बी गिवन टू, मतलब 20 में आपसे पूछ रहा है 2018 का, मतलब ये तो ये कह सकते हैं इतना बैक नहीं पूछना चाहिए, करंट करंट का पार्ट हो जाता है। 88 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ए होगा श्याम बंगाल बनेगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है शेख नियामुद्दीन औलिया बिलोंग टू दी, मतलब वो किस सिलसिला से बिलोंग करते थे? तो 89 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज दी चिश्ती सिलसिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, कह रहा है चमेली देवी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में दिया जाता है चमेली देवी अवार्ड इंडिया में? 90 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी जर्नलिज्म में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, कह रहा है फर्स्ट वर्स रिवील टू प्रॉफिट मोहम्मद आर इनकॉर्पोरेटेड इन दी शूरा, सो 91 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज अल अलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है यहाँ पे थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, थर्ड पिलर इस्लाम का क्या हुआ आपसे पूछा जा रहा है, मतलब फाइव पिलर है तो फाइव पिलर को याद रखना होगा आपको। 92 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी जकात। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे कह रहा देख रहा है इन दी कोर्टयार ऑफ मेडिकल मॉस सॉरी मेडिवल मॉस स्टैंड ए फेमस आयरन पिलर विच वियर ए संस्कृत स्क्रिप्शन इन गुप्ता स्क्रिप्ट नेम ऑफ द मॉस, मतलब उस मस्जिद में ये चीज लगा हुआ है स्क्रिप्ट। 93 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज कुवतुल इस्लाम, जो मस्जिद है वहाँ पे है ये पिलर है, उसी पिलर में ये संस्कृत टेक्स्ट वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेजर कंपाइलेशन ऑफ हदीस, 94 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे बी होगा मुवत्ता इमाम मलिक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाइल वाज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाइल वाज, 95 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे ए होगा मौलाना बरकतुल्ला भोपाली। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, कह रहा है हजतुल्ला अल बलीगा इज रिटन बाई, 96 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा शाह वलीउल्ला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे, फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद द काकोरी कंस्पायरेसी वाज, 97 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा शफाकुल्ला खान, मतलब उसमें ये इन्वॉल्व थे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है सूरा दैट कंटेन टू बिस्मिल्लास इज, 98 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, कह रहा है विच इन विच एंग्लो मैसूर वार डी टीपू सुल्तान पार्टिसिपेट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, किस ऑब्वियसली सेकंड वर्ल्ड वार में। तो 99 का जो करेक्ट सॉरी नहीं सेकंड ही थर्ड होगा, बल्कि फर्स्ट सेकंड तो रिटेट कर किए थे, रिटेट किए भी थे। तो 99 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी आएगा थर्ड वार में, थर्ड जो क्योंकि टोटल मैसूर से रिलेटेड, मैसूर और ये सुल्तान के बीच में या टीपू सुल्तान या फिर कह लिए मैसूर और एंग्लो के बीच में चार युद्ध हुआ था, तो इसमें थर्ड में ये पार्टिसिपेट किए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सिटी वाज नेम्ड दौलताबाद बाय द तुगलक सुल्तान, सुल्तान मतलब ये। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 100 का वो दैट इज बी होगा देवागिरी, देवागिरी को ही तो उन्होंने दौलताबाद के नाम से वो रीनेम किए थे। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये कि ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट सिर्फ के द्वारा चलाया जा रहा है 11 साइंस के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।